हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल सक्सेस स्टोरीज। गाइस, वीडियो में जाने से पहले प्लीज आप सब लोग जो भी मेरी वीडियो को देखते हैं सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना और ऑल पे क्लिक करना, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो आपको अपडेट आए। और इस चैनल में मैं बहुत सारे लोगों की लग सक्सेस स्टोरीज, लाइफ स्टोरीज और यूट्यूबर्स के जो छोटे छोटे अपडेट्स हैं वो शेयर करती हूँ। और अगर आप इस चैनल के थ्रू कुछ और देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट पिन कर सकते हो, मैं डेफिनेटली आपकी जो भी फरमाइश होगी उस पर वीडियो लेके आऊँगी। तो चलिए गाइज, आज बात करते हैं सायरा सत्तानी के ऊपर। जिनको पता नहीं है कि सायरा सत्तानी कौन है, तो थोड़ा सा मैं उनका इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। सायरा सत्तानी एक टिकटॉकर, यूट्यूबर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और एमएक्स टकाटक पर ये एक्टिव हैं। और टिकटॉक के थ्रू इनको बहुत अच्छी पहचान मिली, और जब टिकटॉक बैन हुआ तो इन्होंने इंस्टाग्राम और यूट्यूब की तरफ अपना रुख किया, और आज वो यूट्यूब पर भी काफ़ी फेमस है। सायरा सत्तानी का जन्म सन 1968 को गुजरात में हुआ। उनका बचपन बहुत अच्छा बीता, शादी भी अच्छी थी, लेकिन उनके हस्बैंड की जब उनका बच्चे बहुत छोटे थे तो डेथ हो गई, जिसके चलते उन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। फाइनेंशियली भी वो उस टाइम पे बहुत लो जा चुके थे, और सायरा सत्तानी उस टाइम अपने जो शुगर की प्रॉब्लम रहती है उससे जूझ रही थी, जिसके चलते उनका काफ़ी ज़्यादा वेट बढ़ गया था। तो उनकी जो मम्मी हैं उन्होंने उनको बहुत सपोर्ट किया और उनका ऑपरेशन भी करवाया, जिसके चलते वो थोड़ा सा स्टेबल हुई। सायरा जी बताती है कि उनकी लाइफ में जो उनकी सक्सेस के पीछे का जो पर्सन है वो उनकी मदर है। उनकी मदर ने उनको बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया, सपोर्ट किया है, और सायरा ने अपने बच्चों को बहुत ही अच्छे संस्कार दिए हैं। दोनों बच्चे उनके बहुत ही प्यारे हैं। अभी एक बेटा उनका 24 साल का और एक 22 साल का है। सायरा ने कहा है, बोला है अपनी वीडियोस में कि उन्होंने अपने बच्चों को माँ और बाप दोनों का प्यार दिया है, दोनों की कमी कभी महसूस नहीं होने दी, जो कि उनकी वीडियोस में दिखता भी है। सायरा सत्तानी अपने बच्चों को बनाने में, उनकी परवरिश करने में इतनी बिजी थी कि उन्हें कभी शादी करने का मौका ही नहीं मिला, और वो अपने करियर पर इतनी फोकस थी कि उन्होंने कभी इस बारे में सोचा नहीं। लेकिन लास्ट ईयर उन्होंने शादी कर ली है, फिर से अपना घर बसा लिया है, क्योंकि आई थिंक हो सकता है कि एक टाइम था जब वो अपने बच्चों की परवरिश में लगी हुई थी, लेकिन अभी उनके बच्चे दोनों बेटे बड़े हो गए हैं और उनको लगता है कि अभी दोनों की शादी हो जाएगी तो दोनों अपने लाइफ में सेटल हो जाएंगे, तो हो सकता है कि वो अकेली पड़ जाए, जिसके चलते उन्होंने में भी शादी कर ली है, जो कि उनके लाइफ के लिए एक अच्छा डिसीजन था। और उन्हें जो अभी रिसेंट जो उनके हस्बैंड है वो उनसे बहुत प्यार करते हैं, और आप उनकी वीडियोस के थ्रू देख सकते हैं। ये तो रहे कुछ बातें उनके लाइफ के बारे में। अब बात करते हैं कि सोशल मीडिया पे उन्हें क्यों इतना हेट मिलता है। आज हम ना नेगेटिव और ना पॉजिटिव कुछ भी नहीं देखेंगे, हम सिर्फ एक न्यूट्रल पॉइंट पे होकर बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं इतना बताना चाहती हूँ कि सायरा सत्तानी बहुत सारी लेडीज़ के लिए एक इंस्पिरेशन है, क्योंकि लाइफ में इतना कुछ होने के बाद भी उन्होंने अपना जो पैरों पे खड़ा होना नहीं छोड़ा। वो अपने वसूलों पे अपनी ज़िंदगी जीती है, अपनी शर्तों पे अपनी ज़िंदगी जीती है, और उन्होंने जितना भी आज कुछ हासिल किया है वो उन्होंने मेहनत करके किया है, कभी किसी को धोखेधड़ी से नहीं किया हो। हालांकि बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो, या फिर बहुत सारे दो तीन लेडीज़ हैं जो उनके ऊपर ब्लेम करती है, गाली गलौज करती है, लेकिन सायरा सत्तानी ने बदले में कभी भी उनको गाली नहीं दी। आप उनकी वीडियोस में जाके देख सकते हो। तो यहाँ पे समझ आता है कि शी इज़ ए वेरी हम्बल लेडी एंड वेरी सेंसिबल लेडी, क्योंकि जब कभी आपको आगे से गाली दे उस टाइम पे आपका जो रियल नेचर है, रियल कैरेक्टर है, वो सामने आता है। तो उन्होंने कभी भी इस बात का जवाब कभी भी गालियों से नहीं दिया है। हाँ, थोड़ा बहुत वो जवाब देते हैं, विच इज़ ओके, हमें देना भी चाहिए जब कोई हमें ज़्यादा ही बोले। तो उन्होंने कभी भी गाली गलौज के साथ वो सब चीज़ें नहीं लाई सोशल मीडिया पे। दूसरी बात है कि उन्हें उनके इस्लाम को लेकर बहुत ज़्यादा ट्रोल करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो उन्हें कमेंट करते हैं, हिदायत दे, उनके ऊपर बहुत सारे कमेंट पास करते हैं, मॉक करते हैं उनको, बुलिंग करते हैं। मेरे ख्याल से तो देखो, सबको अपनी लाइफ जीने का राइट है, और सब जानते हैं वो क्यों क्या अच्छा कर रहा है, क्या बुरा कर रहा है, और सब। तो मेरे ख्याल से किसी को भी किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। इस टाइम पे देखना चाहिए कि कौन व्यक्ति कितना मेहनत करता है और वो अपने मेहनत के बलबूते पर खड़ी हुई है। और जो लोग भी उनके लिए नेगेटिव कमेंट करते हैं, मैं उनको इतना ही बोलना चाहती हूँ कि अगर आपको उनके लाइफ को देख के जेलस फील होता है या लगता है कि
उनको राइट वे में जाना चाहिए, तो आप उनके लिए उनके जैसा बनने की या उनके वीडियोस में जाते ही क्यों हो, आप उनको उनके हाल पे छोड़ दो। वो अकेली एक ऐसी लेडी नहीं है जो ये सब कर रही है, सोशल मीडिया पे यानी कि और फिल्म स्टार बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनके रिलीजन से ही आते हैं, लेकिन उनको जब वो ऐसा करते हैं तो उनको बहुत अच्छे कमेंट मिलते हैं, उनको हीरो हीरोइन के तौर पे देखा जाता है। ऐसा तो मुझे समझ नहीं आता कि ये सब डिफरेंस क्यों क्रिएट होता है। सेम लोग सेम सोशल मीडिया सबके लिए बराबर है, यहाँ पे आप जितना करोगे आप उतना ही अर्न करते हो। तो और हम देखते हैं कि सारा सत्तानी जी है वो बहुत ही हेल्पफुल नेचर की है, उन्होंने बहुत सारे लोगों की हेल्प भी की है और अपने वीडियोस के थ्रू वो थोड़ा बहुत दिखाती भी है, लेकिन वो ऑफ कैमरा भी बहुत कुछ करती है जो कि उनके कैरेक्टर के बारे में बताता है कि वो कितनी मेहनत करके दूसरों की हेल्प करना जानती है। और वो जानती है कि मेहनत करके बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद ही इंसान सक्सेस होता है, तो वो जहाँ पर हो सकता है वो कोशिश करती है कि दूसरों की हेल्प करे। तो गाइस दूसरा एक और बात मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ कि बोलने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, आप इन सब चीज़ों पे फालतू बातों पे फोकस ना करें। सबको सबकी लाइफ का हिसाब देना है और सब जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। आप किसी को एक सिर्फ कमेंट के थ्रू आप उनको बदल नहीं सकते हो, जिसको जो करना है वो करते हैं और सब जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। तो गाइस लेट्स फोकस ऑन योर करियर एंड स्टे अवे फ्रॉम ऑल नेगेटिविटी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।